चली रा चली जी और बाहुबली। अब भैया विनोद कौन है और रसोड़े में कौन था, इसका जवाब तो सिर्फ भगवान जानता है। लेकिन ये हर कोई जानता है कि एक इंडियन मोबाइल गेम आने वाला है जिसका नाम है फौजी। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है कि कोई गेम आने वाला है, मुद्दे की बात ये है कि गेम आने से पहले इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुका है। कोई बोल रहा है कि भाई इसका पोस्टर जो है वो कॉपी क्या हुआ है, कोई कह रहा है ग्राफिक्स टट्टी होने वाले हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यानी कि पॉजिटिव साइड तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। ये वही लोग है भाई जो विदेश का गुड़ गोबर कुछ भी खा लेंगे, लेकिन भाई देश की दाल रोटी खाने में इनके पेट में कब्ज होता है। अब यार गेम कैसा भी हो, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इंडियन जो डेवलपर है उन्होंने इतना ज्यादा कुछ कमाल करके भी नहीं दिखाया। तो ये वाली जो चीजें हैं वो होना कॉमन सी बात है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो ये गेम है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है अक्षय कुमार की तरफ से, तो अच्छे खासे लेवल पर उम्मीद करता हूँ कि जो डेवलप किया जा रहा होगा उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिलेंगी। अब गेम का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं वो तो अलग एक बिल्कुल चीज हो गई। कुछ कह रहे हैं कि पबजी का बिल्कुल कॉपी कर देंगे, ये कर देंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ब्रैंडन ग्रीन जो है जिन्होंने पबजी बनाया था कोई कोरियन कंपनी के साथ मिलके, भाई उनके दिमाग में भी, वो भी पहले खेलते थे एक डे जेड नाम का गेम, उससे इंस्पायर होकर बनाया था। यार इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती है। और रही बात साइबर हंटर, यहाँ पर फ्री फायर और काफी सारे गेम है जो इसी तरीके से बनाए गए हैं। तो ये वाली बात कहनी ना मतलब एकदम बेवकूफ वाली बात हो जाती है कि इसका बिल्कुल कॉपी कर देंगे। कॉपी तो यार बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ उससे इंस्पायर होके कुछ ना कुछ हमें अगर अच्छा मिले तो काफी ज्यादा बढ़िया बात होने वाली है। तो यहाँ पर उसका, यहाँ पर ट्रेलर हमें नहीं मिला है, कुछ भी चीज नहीं मिली है, सिर्फ एक पोस्टर यहाँ पर रिलीज किया गया है और बोला गया है कि इस तरीके से एक 4G नाम से गेम आने वाला है। और इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है अभी से, और बैड कॉन्ट्रोवर्सी में आने से भी काफी ज्यादा अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाती है, मार्केटिंग हो जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो गेम आ रहा है एज एन इंडियन, इसे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है कि इसका 20% जो रिवेन्यू है वो भारत के वी ट्रस्ट को जाएगा जो हमारे फौजी भाइयों को मदद करता है। तो इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये गेम आएगा इसके ग्राफिक्स कैसे भी हो तो मैं इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगा, और किस तरीके का ये गेम है वो हर किसी को देखना चाहिए। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस तरीके की नेगेटिव चीजें ना फैलाएं, खासकर जो आप इंडियन है इस तरीके की चीजें ना करें, आप सपोर्ट करें, हो सकता है कि अच्छा ही आ जाए। खैर अब तक कोई टिकटॉक के बहुत सारे जो है अल्टरनेट आए थे, लेकिन वो इंडिविजुअल कुछ क्रिएटर्स ने डाले थे, इतनी बड़े लेवल पे उनको डेवलप नहीं किया गया था। यहाँ पर आपको पता है कि इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है और काफी ज्यादा अच्छे खासे लेवल पर इसको जो है डेवलप किया जा रहा होगा। तो ग्राफिक्स वगैरह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एकदम बढ़िया आने वाली है, और हम सबको ये चीजें ट्राई करके देखनी चाहिए जब ये रिलीज होगा। और आई थिंक ये अक्टूबर या नवंबर के एंड में आ जाएगा। तो इतनी ज्यादा नेगेटिव सोच भाई, मतलब करते क्या हो, क्या खाते हो, ऐसा मतलब क्या करते हो, इस तरीके की नेगेटिव चीजें मत फैलाओ। जो हो रहा है सही हो रहा है, एटलीस्ट इंडिया में कोई गेम तो डेवलप हो रहा है। पॉजिटिव साइड देखो और वेट करो इसके ट्रेलर का और इस गेम के आने का। आई होप कि सबको पसंद आएगा और इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि हम सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं फैलानी है। और अगर मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे भी काफी सारे लोग हग सकते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कुछ दिमाग में सही सी चीज है तो लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई नेगेटिव चीज भी है तो वो भी जाके लिख सकते हो, आई डोंट केयर। सो भाई आज के लिए बस इतना ही, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।